हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फेस इक्विलिब्रियम चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ पे देने जा रही हूँ। तो फाइनली हमारा जो फेस इक्विलिब्रियम चैप्टर है वो कम्प्लीट होता है और फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर जो है वो कम्प्लीट होता है और इसमें और कोई भी चैप्टर नहीं बचे हैं। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहां उनके सिलेबस में जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, मतलब आयनिक साम्यावस्था और रासायनिक साम्यावस्था भी है आपके चैप्टर में। बट जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ और जो मेरे पास बुक्स वगैरह हैं उसमें कहीं भी केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं है। सो गाइस, अगर आप लोग उन सभी का नोट्स चाहते हो दोनों चैप्टर का, केमिकल और आयनिक, और फिजिकल केमिस्ट्री में और कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों से नहीं बन रहा होगा, ऐसा कोई भी टॉपिक जो छूटा होगा, उसका जो है वो आप मुझे जो है वो पिक क्लिक करके जो है वो मेरे जीमेल पे या फिर इंस्टाग्राम आईडी में जो है वो आप सेंड कर सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में कौन कौन सा टॉपिक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में कौन कौन सा टॉपिक है, मुझे नहीं पता है। तो अगर मैं एटलीस्ट एक बार वो टॉपिक का नाम वगैरह देख लूं और बुक को अगर मैं देख लूं तो मैं उसका जो है वो नोट्स आसानी से बना सकती हूँ। तो अगर आप लोगों को आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम का जो है वो नोट्स चाहिए या फिर फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप लोग, मतलब जो मैं नहीं बताई हूँ, जो छूट गया है, तो आप लोग प्लीज उसका जो पिक है आप मुझे जीमेल या इंस्टाग्राम में जो है वो भेज सकते हो। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मेंशन मैं कर दूंगी, वहां पे जाकर के आप मुझे जो है वो सेंड कर दीजिएगा पीडीएफ में, तो मैं जल्दी उसका नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए हम फेस इक्विलिब्रियम का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए, फेस इक्विलिब्रियम में मैं आप लोगों को जितने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि बहुत सारे सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वाटर सिस्टम है, फिनॉल सिस्टम है, फिनॉल वाटर सिस्टम है, तो काफी सारे सिस्टम हम लोगों ने कम्प्लीट किए हैं। तो लेकिन ये जो टॉपिक, ये जो यूनिट है ना, उससे काफी सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और वो ज्यादातर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही इस, मतलब इस चैप्टर से जो है वो पूछे जाते हैं, लॉन्ग टाइप भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को उन्हीं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को बता रही हूँ, 5 से 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हालांकि ये सब बीच बीच में मैं आप लोगों को बताई हूँ, बट हो सकता है भूल चुके हो, बट इसकी तैयारी जो है वो आप जरूर कीजिएगा। पहला है हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ, और दूसरा है संघनित तो प्रावस्था नियम या कंडेंस्ड फेस रूल। तो कंडेंस्ड फेस रूल में भी मैं आप लोगों को बताई हूँ, ये वाला आपको याद होगा, जो टू कंपोनेंट सिस्टम होता है ना, जैसे कि एफ इक्वल सी माइनस पी प्लस वन, तो मेनली हम जो है वो प्लस टू यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग प्लस वन जो है वो यूज किए हैं। तो इसी सब चीज को जो है वो आपको बताना होगा कंडेंस्ड फेस रूल में। ये सब क्वेश्चन आंसर आपको जो है वो बुक से खोजना होगा गाइस। और थर्ड नंबर में हिमांक मिश्रण या जिसे हम फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं, वो भी आपको जो है वो देखना है। ये सब चीज मैं आप लोगों को सिस्टम में बताई हूँ, बट इसका आप लोगों को एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो एग्जाम में पूछते हैं, 1 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 मार्क्स के लिए। सर्वांगसम गलनांक एवं असर्वांगसम गलनांक से आप क्या समझते हो, कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग प्वाइंट, ये भी मैं आप लोगों को बताई हूँ कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग प्वाइंट क्या होता है। पांचवा है गलन क्रांतिक बिंदु, यूटेक्टिक पॉइंट, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको आते हैं, डेफिनेशन लिखना होगा आपको। हिम क्रांतिक बिंदु से आप क्या समझते हो, क्रायोहाइड्रिक पॉइंट जो है वो क्या होता है। और सातवां नंबर का क्वेश्चन है फिनॉल जल तंत्र में परम विलियम ताप 66 डिग्री सेल्सियस होता है, इस टेम्परेचर पर फिनॉल की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। 1 नंबर के लिए काफी ज्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो 34% जो है वो आएगा, ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं जगह 33 पॉइंट कुछ और दिया होगा, बट एवरेज जो है वो 34 आप लिख सकते हो, आपका आंसर सही होगा। और ट्रिपल पॉइंट क्या है, व्हाट इज त्रिक बिंदु, ये भी आपको पूछा गया है। तो ये सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। और भी अगर आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने हैं तो आप अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर वगैरह से भी ढूंढ सकते हो इस चैप्टर के सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन भी इस चैप्टर से जो है वो आप जरूर देख लीजिएगा, काफी सारे पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपको मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि कंडेंस फेस रूल का जो फॉर्मूला है कौन सा वाला जो है वो आप यूज करते हो, तो आपको ये आंसर जो है वो लिखना है। क्लियर हुआ गाइस आज का टॉपिक, तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।